विशालिनी, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अमरूद की चटनी। चटनी कई तरह की होती है, हरी धनिया की चटनी होती है, आम की चटनी भी होती है, पर अगर आप अमरूद की चटनी बनाकर खाएं तो उसका बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो नीचे जाकर लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अमरूद की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक अमरूद, अमरूद को कट कर लिया है, कटी हुई धनिया की पत्तियाँ, 8 से 10 पीस हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप और मिर्च ऐड कर सकते हैं। 2 लहसुन, लहसुन को मैंने छील के रख लिया है, कटा हुआ अदरक, नमक लेंगे हम स्वाद के अनुसार, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। तो चलिए चटनी की रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। एक जार लेंगे, जार में अमरूद डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, लहसुन डालेंगे, अदरक डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। चलिए अब हम इसको पीस लेते हैं। इसको हमें बारीक ग्राइंड करना है। चलिए हम जार को खोलते हैं। ये देखिए चटनी हमारी तैयार है, अच्छे से ग्राइंड हो गई है। इसको मैं एक बाउल में निकालूंगी, निकाल के रख लूंगी। चटनी को आप 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। इसको आप लंच में, डिनर में या किसी भी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।